जो बनी हुई है, जो कि 13-14 बिहार में जो विश्वविद्यालय है उससे सबसे नीचे से नाम दिया जाए, जयप्रकाश नारायण तथा अभी कोरोना महामारी के चलते हम लोग पत्र है शेषम वो काफी पीछे चला है। उसके बाद भी कोरोना महामारी के बाद जो उनका जो विस्तरण प्रशासन का जो रवैया है, जो उनका काम करने का सिस्टम है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं कहूंगा कि ये स्नातक में सारे लोग करते हैं उनके साथ उनके कैरियर के साथ, तो ये किसी साहब जो खिलवाड़ कर रहे हैं कि वो IAS बनना है, कि वो IPS बनना है, उनके साथ अगर खिलवाड़ करना है और वो आदमी वो छात्र उसको जबरदस्ती विश्वविद्यालय प्रशासन के साजिश के द्वारा 20% छात्रों को जान बूझ कर अपसेट कर दिया जाता है और जान बूझ कर उसको पेंडिंग कर दिया जाता है कि वो अपना मेमो निकलवाते और चक्कर लगाते लगाते थक जाए और फिर पैसा दे, इसमें वो स्नातक के तमाम परीक्षाओं से वंचित रह जाते हैं। अगर वो स्नातक लेवल की तैयारी करते हैं हमारे छात्र, तो सबसे पहले मैं पीसी को यह आगाह देना चाहता हूँ कि उनका अगर कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है तो बहाली पैदा नहीं करेंगे, अगर वो सब सीधी रेखा में पास नहीं करेंगे। इसके लिए विशाल से विशाल हम लोग तुरंत आंदोलन करेंगे। अगर जल्द से जल्द इस पर विचार विमर्श नहीं हुआ, सिस्टम को सुधारा नहीं जाएगा, तो कैसे फैलेगा? इतिहास रहा है, इतने भी छात्र संगठन है, अगर वो अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हम लोगों का जो विशाल प्रदर्शन है, अगर हिस्ट्री भागेंगे तो एक बहुत बड़ा है। मैं यहाँ आगाह करने जा रहा हूँ, अगर ये डीसी साहब नहीं सुधरेंगे तो मैं इनको आगाह करता हूँ कि अभी ये कुछ नहीं आंदोलन है, बाद की असली उड़ान बाकी है, कुछ परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो सिर्फ पर्वतों को लाना है, अभी पूरा आसमान बाकी है।